व्हाट अ क्वेश्चन, मजा आ जाएगा क्वेश्चन। कैसे हैं आप सब? और पढ़ाई भी मस्त चल रही है? हाँ, टॉप ऑफ द लेवल पे, ग्रेट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, दो लेक्चर निकाल दिए हैं, फंडामेंटल्स से क्वेश्चन लगे जा रहे हैं और मुझे लग रहा है इसको आगे लगाते रहेंगे। आज क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन लगाते रहेंगे और आगे चल के थर्ड या शायद फोर्थ लेक्चर में हम लोग थर्ड लेक्चर में डेफिनेशन में बताने वाला हूँ आपको। आगे वाले लेक्चर में डेफिनेशन बताऊंगा कुछ क्वेश्चन के रिलेटेड, जो इजी वेज मतलब फॉर्मूलेज जो हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो बताऊंगा। अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बताया लेकिन तब भी क्वेश्चन होने जाने जा रहे हैं, है ना। काउंटिंग्स के प्रिंसिपल से, यानी कि एंड वाले, मल्टीप्लीकेशन वाले और वाले उस तरीके से लगा रहे ना, जो हमने आपको तीन रूल बताए थे, बाइजेक्शन रूल बताया था आपको, एडिशन रूल बताया था, मल्टीप्लीकेशन रूल बताया था। एडिशन अभी तक हमने बाइजेक्शन यूज़ नहीं किया है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन यानी कि एंड और ओ आर उसका यूज करके हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन लगाए हैं। तो बच्चों, भाई साहब, दोस्तों, मित्रों, क्वेश्चन ये वाला है, पढ़िए क्या है। देयर आर एम आदमी, एम मैन एंड एन मंकी, एन बंदर हैं, कितने हैं, एन बंदर हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज बताने आपको, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ईच मंकी हैज द मास्टर इफ अ मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी। अंग्रेजी भाषा है भाई, मैरू पल्ले नहीं पढ़वे, पल्ले कतई नहीं पढ़वे अंग्रेजी भाषा, गणित की भाषा में आते हैं, बात करते हैं, कहना क्या चाहते हैं ये भाई साहब, ये कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहते हैं आप जनाब, कहना क्या चाहते हैं, हाँ क्या कहना चाहते हैं ये इनकी अंदर आत्मा ये कह रही है कि एम आदमी है, एम आदमी है, एम लोग खड़े हैं, एम वन टन 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 ऐसे करके एम लोग हैं, और एक आदमी जो जिसके पास बंदर है, उसके पास क्या है, बंदर, उसके पास कितने टोटल बंदर हैं, एन बंदर हैं, कितने हैं, एन बंदर हैं, यानी कि मंकी कितने हैं उसके पास टोटल, मंकी कितने हैं, एन, और मैन कितने हैं, एम, ठीक। नंबर ऑफ मंकी और नंबर ऑफ मैन, ठीक। अब सवाल हम आपको समझाना चाहते हैं, सुनिए, ये लाइन है, इस लाइन में क्या है, ये सब लोग खड़े हैं, क्या खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हैं, ये सब लोग किस लिए खड़े हैं, ये सब लोगों को बंदर लेने हैं, ये लोग बंदर खरीदने आए हैं, ठीक, मान लीजिए मेला है, ठीक, जिसमें लोग बंदर खरीदने आए हैं, बात समझिएगा, ये सब लोग क्या है, बंदर। ऐसे टोटल कितने लोग हैं, ऐसे कितने टोटल लोग हैं, बोलिए, एम लोग हैं, कितने हैं, एम, ऐसे एम है, बात समझिए, एम लोग खड़े हैं जी, और एन मंकी है, क्या है, टोटल मंकी कितने, एन। अब ये मंदारी है, मतलब जो जिसके पास बहुत ज्यादा मंकी थे, ठीक, इसके पास मंकी टोटल कितने हैं, एन है, ये बेचने आया है। अब मंकी की चॉइस है, मंकी चाहे किसी आदमी के पास जा सकता है, किसी भी आदमी के पास जा सकता है मंकी, ठीक। मंकी ये वाला आदमी जो है, ये एक अपना मंकी लेके गया, इसको दिखाया, इसके पास लेके गया, मंकी इसके पास नहीं गया, मंकी इसके पास नहीं गया, इसके पास नहीं गया, इसके, मतलब कि इन सभी के पास एक एक करके दिखा के ले जा रहे, भाई तुम मंकी तुम इनके पास जाओगे, इनके पास, इनके पास, इनके पास, इनके पास, इनके पास, ऐसे कर करके वो एक मंकी कितने लोगों के पास जा सकता है, चॉइस कितनी है उसके पास जाने, कितनी चॉइस है जनाब, कितनी चॉइस है, टोटल लोग कितने, एम चॉइस है कि नहीं, हाँ ना बोलिए, एम लोगों के पास जा सकता है, आपके पास, मेरे पास, किसके पास, किसके पास, किसके पास, एम लोगों के पास, तो उसके पास चॉइस कितनी है, एम चॉइस है ना, एम, एम चॉइस। पहला वाला मंकी एम लोगों के पास जा सकता है, जनाब बताइए, पहला वाला मंकी एम लोगों के पास जा सकता है। अब वो दूसरा वाला मंकी लेके आया, दूसरा वाला, ये वाला मंकी, ये मंकी तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, दूसरा वाला मंकी कितने लोगों के पास जा सकता है, एम में से किसी के पास जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बताया है एक आदमी कितने भी मंकी ले सकता है, एक आदमी कितने भी मंकी ले सकता है। तो दूसरा मंकी एम लोग लाइन में है, एम लोग खड़े हैं, तो एम किसी के पास भी जा सकते हैं, उस पास चॉइस कितनी जाने की, कितनी चॉइसेस है जाने की, हाँ एम चॉइस है ना, तो दूसरा वाला मंकी भी एम चॉइस है उसके पास,
ऐसे तीसरा मंकी लेके आया, तुम्हारे पास उसके पास भी एम चॉइस है, तीसरे वाले बंदर के पास एम चॉइस है। चौथा वाला बंदर आया, तुम्हारे पास, कि नहीं बोली, ऐसे करके वो पांचवा बंदर ला गया, छठा बंदर ला गया, हर बंदर के पास में एम चॉइस है। ऐसे आखिरी मंकी कौन सा है? एन नंबर वाला मंकी होगा आखिरी, 50वां, मान लो एन इक्वल टू 50 था तो 50वां मंकी मतलब बंदर, उसके पास भी एम चॉइस होंगी, तो आखिरी मंकी कौन सा होगा? हाँ, आखिरी मंकी कौन सा होगा? एन नंबर वाला मंकी होगा। हाँ, ऐसे ये कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई कितनी बार होते रहेंगे ऐसे ऐसे? हाँ, एन बार मल्टीप्लाई होंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे? एन बार क्यों मल्टीप्लाई होंगे? क्योंकि उसके पास टोटल कितने मंकी हैं? एन मंकी, मतलब पहला मंकी आया, चलो पहला मंकी कहते हैं, दूसरा मंकी लाया, पहला मंकी आया ये एम मल्टी आया, दूसरा मंकी ये, तीसरा मंकी ये, चौथा मंकी ये, पांचवा मंकी ये, ऐसे करके एन मंकी होंगे ना, तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा एन बार टोटल। ठीक, तो कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे टोटल मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ठीक है, मतलब पावर नहीं है, पावर तो सबकी 1-1 है। ठीक, ऐसे टोटल कितने टाइम्स होंगे? एन टाइम्स होंगे, बात समझ में आ रही है? टोटल कितने होंगे? एन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एम की पावर एन, बोलिए एम की पावर एन होगा। एम कितनी है ये? एम कितने बार लिखा होगा ये? एन बार लिखा होगा, एन बार। एग्जाम्पल दें, अभी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दें, वैल्यू दें। जैसे कि मान लीजिए 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? 10 आदमी हैं, कितने हैं? 10 आदमी हैं, और उसके पास में 5 मंकी हैं, कितने मंकी हैं? 5 मंकी हैं, मंकी एन बराबर कितने हैं? 5 मंकी हैं। ठीक, 5 मंकी हैं, पहला मंकी लेके गया इन 10 के, पहला मंकी कितने लोगों के पास जा सकता है? 10 लोगों के पास जा सकता है। पहला मंकी कितने लोगों के पास जा सकता है? 10 लोगों के पास जा सकता है। दूसरा मंकी कितने लोगों के पास जा सकता है? एक मंकी हो गया, अब 5 से 1 खत्म हो गया। दूसरा वाला मंकी 10 लोगों के पास, किसी के पास भी जा सकता है 10 लोगों के पास। तीसरा मंकी कितने लोगों के पास जा सकता है? वो भी 10 के पास जा सकता है। चौथा मंकी 10 के पास, पांचवा मंकी भी 10 के पास जा सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 10 की पावर 5। पास समझ में आए? हाँ, पास समझ में आई? यहाँ पे 10 क्या था? एम था, मतलब आदमी थे, एम की पावर एन के फॉर्म में। बोलिए फील आया? अब समझ में आया? हाँ, इसीलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बताइए कोई दिक्कत? बोलिए जनाब, बताइए जनाब, कैसे क्या आप करते हैं यार? अगला क्वेश्चन लगाइए, उसी पे बेस्ड है, अगला क्वेश्चन लगाइए। लगाइए भैया जी, लगाइए, आपको डेरी मिल्क मिलेगी, डेरी मिल्क। इसको इरेज करते हैं, आ गया भाई। कोई फॉर्मूला नहीं जनाब, कोई फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन लगे चले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स की तरह क्वेश्चन, और ये कोई छोटे मोटे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन नहीं है। अभी तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, वही हम बताए जा रहे हैं, आपको बताए रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच एम डिफरेंट टॉइस, टॉइस कितने हैं एम है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टॉइस आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन एन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन कितने हैं? एन है, तो ये बच्चे हैं, ये बच्चा है, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चा है, ऐसे कितने बच्चे हैं? ये एन चिल्ड्रन है, एन है, कितने हैं? एन। टॉयज कितने हैं? टॉयज कितने हैं? एम टॉयज हैं, बात समझ में? नंबर ऑफ वेज इन विच एम टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन चिल्ड्रन, इन एवरी चिल्ड्रन कैन हैव एनी नंबर ऑफ टॉयज, बच्चा कितने चाहे खिलौने ले सकता है, बच्चा कितने चाहे खिलौने ले सकता है। तो भैया जी, मेरे पास ये मान लो खिलौना है, मैं आपको देख सकता हूँ, मान लीजिए आप बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, आपको देख सकता हूँ, किसी और को दे सकता हूँ, आपके दोस्त को दे सकता हूँ, तो उसे मतलब जितने लोग होंगे उन सब में से मैं अपना पहला टॉय किसी को भी दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। तो इसको इसके पास जाने के, इस टॉय को
कितने लोगों के पास जा सकता है ये, क्या चॉइसेस है इसके पास जाने के, जितने लोग होंगे उतने पास जा सकता ना ये। ऐसे ही पहला खिलौना है वो कितने लोगों के पास जा सकता है, उस पास चॉइसेस कितनी है, एंड चॉइसेस हैं किसी पास जा सकते हैं। तो टोटल उस पहले वाले टॉय के पास कितने चॉइसेस हैं, हाँ पहला वाला जो टॉय है वो एन लोगों के पास जा सकता है किसी पास में, मतलब जो पहला पहला टॉय है एम टॉय है, ठीक नंबर ऑफ इंग्लिश एम डिफरेंट टॉय था, पहला टॉय है वो इतने बच्चों में से किसी बच्चे पास जा सकता है, तो उसके पास कितनी चॉइसेस कितनी हैं, एन है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों रहा है वो तो पता ही आपको, और अलग कैसे है एम। अब दूसरा टॉय लेके आया, दूसरा टॉय भी हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी बच्चे को भी दे सकते हैं, हमारे पास दूसरा टॉय देने की कितनी चॉइसेस हैं, हम किसी बच्चे को भी दे सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, हमने जिसको दिया था पहला उसको भी दे सकते हैं दूसरा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी टॉय दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दूसरा टॉय हम किसी को भी दे सकते हैं, वहाँ उस दूसरे वाले टॉय को देने की कितनी चॉइसेस हैं, टोटल जितने लोग होंगे उतने में से किसी को भी दे सकते हो, तो टोटल लोग कितने हैं, एन लोग हैं, एन बच्चे हैं, एन बच्चे हैं कि नहीं, तो एन में से किसी को भी दे सकते हैं, एन हो गया। ऐसे तीसरा टॉय भी हम दे सकते हैं एन मल्टीप्लाई, ऐसे चौथा टॉय भी हम एन दे सकते हैं, ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई होता रहेगा, जितने टोटल टॉय हो जब तक टॉय खत्म ना हो जाए, हाँ ये सिलसिला चलता रहेगा कितनी टाइम, एम एन एम टाइम चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, तो एन की पावर कितनी आ जाएगी, एम हो जाएगा आंसर। बोलिए जनाब समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आया होगा, बोलिए अब बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल लगा लेंगे। अब आपको हम आगे के कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं, बोलिए कोई दिक्कत, या इतने कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। अब ये क्वेश्चन और नोट करिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज वी कैन पोस्ट लेटर्स इन 10 लेटर। अच्छा ये क्वेश्चन और है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज वी कैन पोस्ट, देखिए क्वेश्चन लिखिए यार आप, क्या वो हमारी सूरत क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन होगा कॉपी में, फाइंड द नंबर ऑफ वेज वी कैन पोस्ट, देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज वी कैन पोस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज वी कैन पोस्ट, ये क्वेश्चन आसान है आप लगा लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज वी कैन पोस्ट फाइव, ये फाइव लिखा फाइव लेटर इन 10 लेटर बॉक्स, ये बॉक्स लिखा है, ये लगाई अच्छा, ये लगाई लगाई ये लगाई ये बनाई थी इन कार्पेट नंबर, फिर आपको एक और करवाते हैं क्वेश्चन कार्पेट नंबर वाला करवाते हैं, चलिए भी नोट कर देते हैं, इसको नोट करिए आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन अ कार प्लेट नंबर, इन अ कार प्लेट नंबर, कार प्लेट नंबर कंटेनिंग ओनली थ्री और फोर फोर डिजिट नॉट कंटेनिंग डिजिट जीरो नहीं है उनमें, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार दैट कैन बी नंबर्ड, व्हाट इज द मैक्स नंबर ऑफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कार दैट कैन बी नंबर्ड बोलिए जनाब लगाएंगे क्या, बनाइए थोड़ा दिमाग से चलाएंगे लग जाएगा, बन जाएगा आपसे थोड़ा दिमाग चलाइए बन जाएगा आपसे, हमें पता बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा तो बनेगा किससे, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वेज वी कैन पोस्ट फाइव लेटर्स, कितने लेटर हैं हमारे पास, पांच, हमें पांच लेटर डालने हैं, पांच लेटर हमारे पास हैं, आपका हमें स्कूल में लेटर दिया जाता है, ये लेटर लिखो प्रिंसिपल को लेटर लिखो,
जैसे छुट्टी वगैरह जब ले लेते हैं तो एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक, मेल लेटर ही तो होता है। हमें 5 लेटर हमारे पास में है और हमें देना कहाँ है, 10 बॉक्स हमारे पास रखे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 बॉक्स हैं, एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स, ऐसे टोटल करके कितने हैं, 10 बॉक्स हैं और 5 लेटर हैं। हम आप गए, हमारे पास ऐसा तो नहीं कहा गया है हाँ? ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, कहा गया कि 5 ही बॉक्स हैं, मतलब 5 ही लेटर हैं, 10 बॉक्स हैं हाँ? हम गए, हमने 1 लेटर इसमें डाल दिया हाँ? इस साइड से गए थे तो हमने इधर इधर से डाल दिया, अगली बार हम इस साइड से आए थे तो हमने, हमारे नज़दीक ये पड़ा, हमने नज़दीक वाले इसमें इसमें डाल दिया है ना, हाँ पर नज़दीक इधर पड़ा तो हमने इसमें डाल दिया, अब कि हम इस साइड से आए थे तो हमें नज़दीक में ये पड़ा, हमने इसमें डाल दिया बॉक्स लेटर अपना, तो हम 10 बॉक्स में से किसी में भी डाल सकते हैं, डाल सकते कि नहीं, पहला लेटर जो है वो हम इन 10 में से किसी में भी डाल सकते हैं, दूसरा लेटर हम 10 में से किसी में भी डाल सकते हैं, तीसरा लेटर हम 10 में से किसी में भी डाल सकते हैं, चौथा लेटर हम 10 में से किसी में भी डाल सकते हैं, पांचवा लेटर हम 10 में से किसी में भी डाल सकते हैं। तो पहले लेटर को डालने की कितने वेज हैं, कितनी चॉइस है हमारे पास, पहले वाले के लिए 10 चॉइस है, दूसरे वाले के लिए भी 10 चॉइस है, तीसरे वाले के लिए भी 10 चॉइस है, चौथे वाले के लिए भी 10 है, पांचवे वाले के लिए भी 10 चॉइस है। तो 10 की पावर कितना हो गया जना, बोलिए 10 की पावर 5 हो गया कि नहीं हुआ, बोलिए बात समझ आई, ये बात में गया कि नहीं गया, गया ना, इसी बात में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए, अरे वो तो मजाक कर रहा है, बस आपने कर ही दिया होगा, इतना भरोसा है आप लोगों पर। इन अ कार प्लेट नंबर, एक कार प्लेट का नंबर है हाँ, कंटेनिंग ओनली 3 और 4 डिजिट। अच्छा, कार प्लेट के नंबर में सिर्फ 3 डिजिट है और है, और मतलब प्लस, और का मतलब क्या होता है, मतलब इस वाले केस को जोड़ देंगे, और 4 डिजिट है, ठीक, 3 डिजिट है और 4 डिजिट है। नॉट कंटेनिंग जीरो, नॉट कंटेनिंग जीरो, जीरो नहीं है उसमें जनाब, जीरो है ही नहीं उसमें, जीरो नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार दैट, अच्छा डिजिट्स आपके पास क्या क्या है, इसको इरेज कर देंगे तो हो ही गया, मतलब देखिए हमारे पास डिजिट्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये डिजिट है, हमें इसमें जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना। अब कितनी बची, 9 है, हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, ऐसा तो नहीं कहा गया, नॉट रिपीटिंग वाला तो ऐसा खाने गया ना, अरे में तो लगेगा नहीं ना। तो पहला नंबर पे हम पहली डिजिट हम क्या रख सकते हैं, इन 9 नंबर में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, अगर 3 डिजिट का हमें डिजिट बनाते हैं, डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले प्लेस पे हम 9, हमारे पास नंबर बचे हैं, हम 9 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं पहले प्लेस पे, मल्टीप्लाई लगाते हैं ना, आपको पता है मल्टीप्लाई, अब तो पता ही हो गया होगा मल्टीप्लाई क्यों लगाते हैं। और दूसरी प्लेस पे ऐसा ऐसा तो नहीं कहा गया है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हैं हाँ, रिपीट करिए ना जनाब, रिपीट करिए, तो यहाँ पे भी 9 रख सकते हैं, ये नंबर बन गए थे 9 की पावर 3, इतने नंबर नंबर बन जाएंगे, नंबर प्लेट बनेंगे। बोलिए ऐसे यहाँ लगाइए, पहली प्लेस पे आप 0 नहीं रख सकते, मतलब 0 नहीं रख सकते, आप कहीं भी नहीं रख सकते, तो आप नंबर कितने चॉइस बची, 9 चॉइस बची हैं, पहले पे 9 रख सकते हो, दूसरे पे 8 थोड़ी ना रखोगे, 8 नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि उसने ये थोड़ी ना कहा कि आपको रिपीट करनी है, रिपीट नहीं करनी है, ये तो नहीं कहा है, आप रिपीट कर सकते हो, तो 9 रखने हमारे पास चॉइस है, यहाँ पे भी 9 चॉइस है, यहाँ पे भी 9 चॉइस, यहाँ पे भी 9 चॉइस, तो 9 की पावर कितना हो गया, 4 और 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए। वाह, क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाता है यार हाँ, हो जाता है क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करवाएं हाँ, देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कराने वाला वो करवा देते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या आपके लिए बनेगा। हाँ, 7 डिजिट नंबर इज फाउंड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, चलिए ये वाला ऑप्शन तो करा लेते हैं, इसको यस करें, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वेरी गुड, अच्छा लगना चाहिए आपको भाई, मेहनत हो रही है तो आपको लगना चाहिए अच्छा, आपको नहीं लगेगा तो किसको लगेगा भाई साहब,
आपके लिए सब मेहनत हो रही है, ये क्वेश्चन हमें तो आते ही हैं, अपने लिए थोड़ी ना लगा रहे हैं, आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। आप लोगों को अपना समझना है, हाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, सब क्यों पढ़ा रहे हैं। लेट अ सेवन डिजिट नंबर इज टू बी मेड देन फाइंड द टोटल नंबर। क्वेश्चन क्या है, सेवन डिजिट नंबर इज टू बी मेड, इसमें कई पार्ट है ना, वो पार्ट भी लिखेंगे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, देन फाइंड द टोटल, ये राइटिंग नहीं अच्छी है, राइटिंग में मत जाइएगा। एक ए, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, ठीक है, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, इसको शॉर्ट लिखते हैं, रिपीटेशन अलाउड। सी नंबर ऑफ टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, नो टू डिजिट्स, नो टू कंसेक्यूटिव, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, कोई दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम नहीं है जनाब, बताइए कोई, ठीक। आपको ये पार्ट था, ये आप करने तीन चॉइस है, ठीक, तीन पार्ट आपको करने हैं अभी, उसके बाद में आगे और बताएंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए सेवन डिजिट्स नंबर इज टू बी मेड, सेवन डिजिट बनाने हैं, सेवन डिजिट का नंबर आपको बनाना है, कितना नंबर बनाना है, सेवन डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट्स आपके पास क्या क्या है, कौन कौन सी डिजिट होती हैं, कौन कौन सी डिजिट होती हैं, हाँ डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, जीरो होती है, वन होती है, टू होती है, थ्री होती है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, कॉपी में से लिख लीजिए, नाइन है, ये डिजिट्स हैं हमारे पास में, इन डिजिट्स से यूज़ करके हमको सेवन डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, सेवन डिजिट का नंबर बनाना है। अब सेवन डिजिट का नंबर बनाना है तो सेवन प्लेस बना लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बन गई सेवन प्लेस, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, सभी डिजिट्स सेवन अलग अलग होनी चाहिए, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यहाँ इसको कह सकते हो रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक। तो पहले प्लेस पे जीरो नहीं रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते, आपको अभी तक पता चल गया होगा, अगर आप जीरो रखोगे तो वो सेवन डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, वो सिक्स डिजिट का नंबर हो जाएगा, बोलिए, इसीलिए हम लोग सेवन मतलब यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते। तो यहाँ पे बची कितनी भी डिजिट है हमारे पास, चॉइस कितनी बची है, ओ वन टू टू नाइन चॉइस बची, नाइन मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं करनी है। अच्छा अब आप यहाँ पे जीरो रख सकते हो, मान लीजिए आप यहाँ पे वन रखा होगा, मान लो पहले नंबर पे आप वन रखते हो, वन नहीं कर सकते हो, ठीक, वन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास फिर चॉइस कितनी बची, जीरो है, जीरो आप चॉइस में आ गए क्योंकि आप यहाँ पे जीरो रख सकते हो, जीरो प्लस बाकी सब, बाकी कितनी है, आठ है और एक जीरो, ये नौ, तो अपन नौ रख सकते हो यहाँ पे, नौ अपन रख सकते हैं ना, अब नौ में से एक चॉइस और कम हो जाएगी, मान लीजिए आपने यहाँ पे टू रख दिया होगा, ठीक, टू रख दिया होगा, तो अब जीरो और बाकी नंबर ये, तो आपके पास यहाँ पे एट चॉइस बचेगी, फिर यहाँ पे सेवन बचेगी, फिर यहाँ पे सिक्स चॉइस बचेंगी, मल्टीप्लाई सब रहेगा, सिक्स के बाद आपके पाई बचेंगी, पाई बन रहा बचेंगे, बोलिए ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा। बी पार्ट का आंसर देखिए, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड में तो मजा ही आ जाता है, दो तीन चार पाँच छः सात, रिपीटेशन अलाउड कर दी भाई साहब, तो मजा कर दिया। पहले प्लेस पे आप कितने रख सकते हो, नौ रख सकते हो, कर सकते हो, दूसरी प्लेस पे कितने डिजिट रख सकते हो, हाँ बोलिए, पहले प्लेस पे आप ये जीरो जीरो नहीं रख सकते हो या नौ रख सकते हो, बाकी फिर आप यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हो, रिपीटेशन अलाउड कर दी ना, जीरो भी रख सकते हो, वन भी रख सकते हो, टू भी रख सकते हो सर, तो यहाँ पे दस नंबर रख सकते हो, यहाँ पे भी दस रख सकते हो, यहाँ पे भी दस रख सकते हो, जब पर दस डिजिट है ना अपन पास, दस मिनट आपके पास ये आंसर आएगा, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर
सेम। बोलिए, नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। अब बताइए जनाब, कोई दो कॉन्सिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं आने चाहिए। इसको इरेज करें, फिर इरेज बताते हैं। ये दो पार्ट क्लियर हो गए? मजा नहीं आ रहा हम आपको वो नहीं लग रहा हो कि मार बहुत एनर्जी से पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल है, वह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमोटेशन है यार, हौले हौले पढ़ना है, इसमें जोश ज्यादा नहीं दिखाना है, बुद्धि चलानी है इसमें। ठीक, आप बोल रहे नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, कोई दो लगातार डिजिट नहीं आनी चाहिए, यानी कि 6 6 नहीं आनी चाहिए, 7 7 नहीं आनी चाहिए, 8 8 8 नहीं आनी चाहिए, लगातार नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो? 1 1 नहीं आना चाहिए, 0 0 नहीं आनी चाहिए, 3 3 नहीं आनी चाहिए। तो मान लीजिए, अगर आप तो पहली बात यहाँ पे कितने नंबर सकते हो, यहाँ पे तो 9 रख सकते हो, ठीक 9 रख सकते हो। अच्छा मान लो आपने यहाँ पे 1 रखा, मान लो आपने यहाँ पे 1 रखा पहले फेज पे, ठीक, क्या रखा 1 1 रखा, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते हो यहाँ पे, 1 यहाँ पे नहीं रख दोगे तो यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी डिजिट्स, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, 1 के अलावा आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हो, तो 1 को छोड़िए, आपके पास कितने नंबर बचे, टोटल देख लीजिए 9 नंबर बचे, तो 9 यहाँ पे रख सकते। मान लो आपने यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 3 रखा, मतलब यहाँ पे क्या रखा, 3 रखा, अगर यहाँ पे 3 रखा आपने तो यहाँ पे भी 3 नहीं, 3 नहीं रख सकते हो, रख सकते हो बताओ, रख सकते हो नहीं रख सकते हो? ठीक, बस में यहाँ पे 3 नहीं रख सकते हो, वो भी रिपीटेशन टू कॉन्सिक्यूटिव ना, मान लीजिए यहाँ पे आपने 9, ठीक, तो 9 × 9 यहाँ पे भी जाएगा, और 9 × 9 यहाँ पे हम 9 × 9 क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बच्चा, देखिए समझिए, देखिए 9 हो गया यहाँ पे समझे, क्योंकि आप 0 नहीं रख सकते यहाँ पे, अगर 0 रख दोगे तो 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 9 हो गया, यहाँ पे भी 9, मतलब आपने यहाँ पे 2 रखा होगा तो यहाँ पे भी 2 रख नहीं रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते, तो बाकी यहाँ पे 9 नंबर रख सकते हो, कोई भी 9 नंबर रख सकते हो। ठीक, अब रिपीटेशन नंबर आप रिपीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दो डिजिट कोई सेम नहीं आने चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर आपने मान लो यहाँ पे 3 रखा होगा, यहाँ पे आपने 3 रखा हो, तो यहाँ पे 3 नहीं रख सकते हो, है ना, सवाल समझ रहे हो, तो यहाँ पे 3 नहीं रखा, यानी कि आप 3 के अलावा तो बाकी कोई नंबर रखते हो यहाँ पे, ठीक, मान लो जब आपने 3 रखा, यहाँ पे 9 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर 9 चॉइस है पढ़ने की, रिपीट वाला केस चल रहा है ना, 9 है, अब यहाँ पे अगर 9 रखा है तो यहाँ पे समझ पा रहे हो, यहाँ पे 3 नहीं रखोगे, 3 के अलावा कोई भी नंबर रख सकते हो यहाँ पे, तो 10 में से आप 3 के अलावा कुछ भी रख सकते हो, ठीक, तो 9 चॉइस यहाँ पे बचेंगे। मान लो जब आपने यहाँ 6 रखा, ठीक, 6 रखा, क्या रखा, 6 रखा, ठीक है, 6 रखा, तो 6 यहाँ पे रखा है अगर आपने, ठीक, 9 तो रहेगा ही, तो आपके पास 9 है, 6 रखा, तो 6 के अलावा आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, तो अभी 9 चॉइस आपके पास, ऐसे ही 9 × 9 बस में इन सबका आंसर कितना आएगा, नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, यानी कि 9 × 7। बोलिए कोई दिक्कत, अभी दिक्कत आपको लग रही होगी इस क्वेश्चन में, हमें लग रहा है ऐसा, दिक्कत आपको लग रही होगी, लग रही है क्या, दिक्कत लग रही, कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। देखो 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 कुछ क्या कहते हैं, क्या करें, इसको इरेज करें, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, छः और सात, देखो 7 डिजिट का नंबर है, नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट आर सेम, लगातार की डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, रिपीट आप कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, देखो सात
साथ है। यहाँ पे आप कितने नंबर भर सकते हो जीरो को छोड़ के, बाकी नौ। यहाँ पे आप कितने नंबर भर सकते हो, मान लो अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर भरा है एक्स नंबर, तो आप यहाँ एक्स नहीं भर सकते हो, भर सकते हो क्या? नहीं भर सकते हो। अब यहाँ पर कितनी चॉइस बची, नौ चॉइस बची, बची कि नहीं बोलो, नौ चॉइस बची हैं। अच्छा आप नंबर रिपीट कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, मान लो अगर आपने यहाँ पे x रखा है, भरा है, ठीक, x के तौर पे मान लीजिए ये हमने 3 भरा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे भरा था 3, यहाँ पे 3 भरा है। अच्छा अब आप एक बात बताओ मुझे, आप तो नंबर रिपीट कर सकते हो, आप यहाँ पे भी 10 भी, 10 यहाँ पे आप चॉइस नहीं, 10 नंबर भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? रिपीटेशन अलाउड है ना, इसके हिसाब से आप 10 भर सकते हो, भर सकते हो कि नहीं भर सकते, भर सकते हो ना, भर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे 3 नहीं भर सकते हो, आप यहाँ पे 3 नहीं भर सकते हो, भर सकते हो क्या 3? अगर 3 भर दो तो लगातार के नंबर नहीं हो जाएंगे, फिर आपका चॉइस यहाँ पे कितनी बची भरने के लिए? 9 चॉइस बची, 9 चॉइस बची कि नहीं बची? आप यहाँ पे 9 नंबर भर सकते हो। मान लीजिए आपने दूसरा नंबर आपने 4 भरा होगा, यहाँ पे 4 भरा होगा, अगर आपने यहाँ पे 4 भरा है, ठीक, समझ रहे, 4 भरा है, तो आप यहाँ पे भी 4 नहीं भर सकते हैं, ठीक, नहीं भर सकते ना, 4 नहीं भर सकते, तो आपके पास 4 के अलावा फिर कितनी चॉइस बची? आप इनमें से कुछ भी भर दो, फिर मान लो फिर आप 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे भर सकते हो, क्योंकि फिर लगातार नहीं है ना, 3 लगातार नहीं है ना, तो आप यहाँ पे 9 आपके पास चॉइस होंगे, आपने यहाँ पे 4 भरा है, ठीक। अब आप यहाँ पे 4 नहीं भर सकते हो, आपको रिपीटेशन लर्ड, मैं भी यहाँ पे 4 भर दूँ, तो आप फिर अब यहाँ पे आप कितने नंबर भर सकते हो? इन सभी नंबर में से आप 4 के अलावा बाकी सब नंबर भर सकते हो। मान लीजिए आपने 8 भर दिया यहाँ पे, तो आपके पास ये 10 नंबर में से 4 तो नहीं रहा, 4 नहीं भर सकते हो, तो बाकी इन सब में से 9 नंबर भर सकते हो, कोई भी 9, ठीक। इस तरीके से आपने मान लो यहाँ पे 8 भरा, तो आप यहाँ पे 8 नहीं भर सकते हो, यहाँ पे भरने की कितनी चांस बची आपके पास? 9 चांस बची, 0 भर सकते हो, 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 3, 4, 6, 7, 8, 8 नहीं भर सकते हो, 9 भर सकते हो, तो आप यहाँ 9 चॉइस बची यहाँ पे। समझ पा रहे हम किस क्या बताना चाह रहे हैं? इस तरीके से आप यहाँ पे भी 9 चॉइस होंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको समझ में आया? आई होप अब आपको समझ में आया होगा, इतनी समझ में आया, बोलिए आया तो स्माइल करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो चले वो तो करिए दिया होगा। कुछ क्वेश्चन और हैं देखते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है, इसी पार्ट में है ना, ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट एंड द फॉर्म्ड नंबर इज ऑड, सभी डिजिट्स अलग अलग हैं और जो नंबर बनाया है वो ऑड बना है। हम आपको पढ़ के बोल रहे हैं, अब नोट में क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे भाई साहब। ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट एंड द फॉर्म नंबर इज ऑड, मतलब सभी डिजिट्स अलग अलग है और जो नंबर बनाया वो ऑड है। ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ये इसी का पार्ट है ना, थर्ड फोर्थ पार्ट है। ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट बट फॉर्म्ड नंबर इज ऑड, ऑड है, ऑड नंबर बना है, फॉर्म्ड नंबर इज ऑड, ऑड नंबर बना है। इसी के बाद एक और है, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट एंड फॉर्म्ड नंबर इज इवन, इसका इवन वाला भी केस बनेगा, ठीक, ऑड वाला कैसे, ऑड वाला केस बनेगा और इवन, और क्या क्वेश्चन है, और रिपीटेशन डिजिट्स फॉर डिजिबल डिविजिबल वाला केस बनेगा। अच्छा तो मजा आएगी भाई, चलिए देखते हैं, ऑड वाला पहले देखते हैं। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इज ऑड, तो यहाँ पे क्या नंबर कर सकते हैं लास्ट वाले डिजिट पे ऑड बनने के लिए? ऑड पर 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कि आप वहाँ पे 1 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, 5 भर सकते हो, 7 भर सकते हो, 9 भर सकते हो। पांच नंबर भर सकते हो, कोई भी पांच नंबर भर सकते हो कि नहीं बताओ, पांच भर सकते हो। ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब सभी नंबर अलग अलग होने चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं कर सकते हो, रिपीटेशन समझ गए। बाकी के नंबर बचे कौन से बचे, 0 बचा है, 2 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, 8 बचा है, ये नंबर है। अब देखो आपने मान लो यहाँ पे कोई एक्स बजट कोई नंबर, अच्छा यहाँ पे कौन सा नंबर भर सकते हो, यहाँ पे कितने नंबर भर सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे तो आपको रखना ही रखना है,
कोई एक नंबर इन सब में से। यहाँ पे आप जीरो नहीं भर सकते हो, ये नंबर भर नहीं सकते हो, आपके पास एक कम हो गया, दस थे एक बचा। यहाँ पे आपने परमानेंट फिक्स करना है आपको एक नंबर कोई ना कोई, इसमें मान लो आपने कोई वन भर दिया होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कितने नंबर चॉइस बचे आपके पास में, चार ये हैं और आठ चॉइस बची आपके पास में, यहाँ पे आठ चॉइस पहले प्लेस पे भरने के लिए आठ बची, ठीक है। यानी कि आप दो नंबर भर चुके हो, वन भर चुके हो यहाँ पे और यहाँ पे वालों, इनमें से कोई एक नंबर भरा होगा आपने, जीरो नहीं भरा है, ठीक, दो नंबर आप भर चुके हो। अच्छा यहाँ पे आप फिर करना हो कौन कितने नंबर भर सकते हो, यहाँ पे इस वाली प्लेस पे, इस वाली प्लेस पे भरने के कौन सा नंबर भर सकते हो, आप जीरो भर सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे जीरो आप भर सकते हो, ठीक, जीरो भर सकते हो, कोई और नंबर भर सकते हो जो रिपीट कर चुके हो, जो तुमने यहाँ पे भरा मान लो टू भरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे टू नहीं भर सकते हो, समझ रहे हो, जो नंबर भर चुके वो नहीं भर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप कितने चॉइस बचे आपके पास इसमें से, ठीक है, इसमें से आपके पास में एक कम हो गई है और इसमें से आपके पास में एक कम हो गई थी, यानी कि अब आपके पास में आठ बची हैं, ठीक, जीरो भर सकते हो, जीरो को मिला दिया ना, आठ बची, फिर यहाँ पे सात बचेंगी, फिर छः, फिर पाँच, फिर चार, इस तरीके से, और मल्टीप्लाई कर दो इनको, ये ऑड का सिंपल सा केस बन जाएगा, और ये ऑड का केस समझ आया, ऑड का केस समझ आया, आया समझ में, वेरी गुड, वेरी गुड। इवन का केस तो भैया जलेब बजेदार है, ये आपको होमवर्क में देते हुए हैं, ये आपको होमवर्क में है, क्या है, फाउंड द नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, ये आपके होमवर्क में HW है, क्या आपका है, HW है होमवर्क, ये आप बना के लाइएगा, अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, आंसर हो सके तो कमेंट में लगा दीजिएगा, ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।